Hello everyone, this is me Anushita, second professional MBBS student from Fakhruddin Ali Ahmed Medical College and Hospital. So today in this video, I am going to answer to all the questions that are asked in the comment section, like the mostly asked questions. So this video is basically going to be on our college, that is Pharmacy, Borpata Medical College. This video is mostly for the people who are willing to join our college or will be joining our college soon, and like people from outside, they do not have much idea about our college. So I'll be sharing few things that people mostly ask in the comment box. So keep watching the video till the end. So the first question, I have seen it many times, like what is the language we use in our college or in this area? So since we are in Borpata, the local language is mainly Assamese. Like actually the tone is a bit different from Assamese, but still maximum logo ko Assamese jo hai wo samajh mein aati hai. Jo log bahar se aa rahe hai, un logo ko thoda problem ho sakta hai Assamese bolne mein, lekin bahut sare bahar ke students hai, AIQ students, wo log Assamese seekh jaate hai, zyada time nahi lagta. One, ek do mahine mein wo log aaram se matlab Assamese seekh sakte hai. And what is the language the teachers use? To jab hum log class karte hai, tab class mein hame zyadatar English mein बात किया जाता है, और कभी कभी एसएमईज बोल देते हैं तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो पढ़ाते हैं, जो भी मतलब सब्जेक्ट की बात है, वो सब कुछ चैप्टर में जो भी है वो सब इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं. बाकी अगर टीचर को पता चले कि आप बाहर से हो, कि आपको हिंदी आती है, एसएमईज नहीं आती, तो वो लोग आपके साथ हिंदी में ही बात करेंगे. तो लैंग्वेज की वजह से उतना तो प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से. बाकी क्लिनिक्स के टाइम पे जब आप लोग अटेंड करोगे अपने दोस्तों के साथ, तो सारे एसएमईज लोग होंगे ही यहाँ के, ज़्यादा मैक्सिमम तो एसएमईज स्टूडेंट्स ही होंगे, तो उन लोगों के साथ रह के आप लोग सीख सकते हो, तो उतना लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फॉर द यूनिफॉर्म. एक्चुअली यूजी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे यूनिफॉर्म है. यूजी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपको यूनिफॉर्म होता है. उसके बाद इंटर्नशिप में आपका कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है. आप नॉर्मल जो ड्रेस है वो आप पहन के जा सकते हो, लाइक कुर्ती या नॉट, लाइक फॉर्मल ड्रेस. और फिर पीजी के लिए भी ऐसा कोई मतलब यूनिफॉर्म का कोई है वो नहीं है. सिर्फ यूजी स्टूडेंट्स के लिए ही यूनिफॉर्म है. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट हम अपने सीनियर्स को क्या बुलाते हैं. एक्चुअली बाहर के कुछ कॉलेजेस में सीनियर्स को हम लोग बॉस बुलाते, कोई लोग बॉस बुलाते हैं शायद, कभी कभी भी सर और मैम बुलाना होता है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको बा और दादा बोलना होता है. दैट मीन्स एल्डर ब्रदर को हम लोग दादा बोलते हैं एसएमईज में, एंड एल्डर सिस्टर को हम लोग बा बोलते हैं एसएमईज में, तो वो बोलना होता है. और हम लोग जैसे बड़ों को आप कह के बोलते हैं, तो सीनियर को हम लोग यहाँ पर आप बोलते हैं. अभी मेरे ही कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम होती थी, वो लोग सबको तुम ही बोलते थे, लाइक तुम कह के बोलते थे. तो यहाँ पर आने के बाद जब आप बोलना पड़ा, तो थोड़ा उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन बाकी उतना कोई है नहीं. लाइक बा, दादा और आप, ये तीनों ही आपको सीनियर के साथ बोलना होता है, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं. देन द फोर्थ थिंग इज दैट विल आई गेट अ हॉस्टल इन फर्स्ट ईयर. एक्चुअली फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल मिल जाता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए. मैं बोलती हूँ गर्ल्स के लिए, कॉलेज के कैंपस में ही आपका फैकल्टी क्वार्टर है, मतलब जहाँ पे कुछ फैकल्टीज रहते हैं वहाँ पे ऊपर में, मतलब वहाँ सेकंड फ्लोर में मतलब स्टूडेंट्स को रखा जाता है, मतलब गर्ल्स को फर्स्ट ईयर में. और उसके बाद नया जब बैच आएगा, तब वो लोगों को मेन हॉस्टल में शिफ्ट करके और नए बैच को वहाँ पे फैकल्टी क्वार्टर में रखते हैं. और बाकी बॉयज़ की बात करें, तो बॉयज़ को भोकतपाड़ा और नौगांव, दो ऐसे प्लेस है, थोड़ा दूर है कॉलेज से, लेकिन कॉलेज से ही ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिस्टम है, तो बस से आप लोगों को लेके आएंगे, फिर छोड़ देंगे वहाँ पे. तो वो है, तो वहाँ पे लड़कों को रखा जाता है. दो हॉस्टल है अलग अलग जगह पे, तो वहाँ पे ऐसे डिवाइड करके लड़कों को रखा जाता है फर्स्ट ईयर में. उसके बाद फर्स्ट ईयर खत्म होते ही नया बैच आते ही उन लोगों को मेन हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाता है. देन द क्वेश्चन कम्स कि हॉस्टल कैंपस में है क्या. हाँ, कॉलेज कैंपस के अंदर में ही हॉस्टल है. बॉयज़ हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल, दोनों ही कॉलेज कैंपस में हैं. मतलब पहले कॉलेज से आने के बाद आपको पहले गर्ल्स हॉस्टल में रखा, उसके बाद थोड़ी दूर में ही बॉयज़ हॉस्टल है, और आप लोग चल के जा सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5-10 मिनट का रास्ता है बस, उतना ही.
एंड देर आर फ्यू पीपल हु कीप ऑन आस्किंग मी अबाउट द बॉन्ड. एक्चुअली बॉन्ड के ऊपर मुझे इतना आइडिया नहीं था इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन अभी मैंने बहुत लोगों से बात की और करके मुझे ये पता चला है कि मतलब जो स्टेट कोटा के पीपल हैं उनको तो पता ही है आपको 4.5 ईयर्स पढ़ना होता है और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप होता है और उसके बाद 1 साल आपको रूरल करना पड़ता है किसी भी रूरल एरिया में. लेकिन उसके बाद अभी मेरे जो बैच थे मतलब 2020 बैच थे वो लोगों ने बोला है कि कोई पिटीशन जो है वो साइन हुआ है लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं हो रहा है. लेकिन मेरे पीछे जो आए थे मतलब मेरे बाद जो आए थे लाइक 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने बोला है जो AIQ पीपल है उन लोगों को एक बॉन्ड में साइन करना पड़ा कि इंटर्नशिप के बाद उन लोगों को 1 साल का रूरल यहाँ पे करना पड़ेगा. ये पहले नहीं था और मेरे बैच से होगा कि नहीं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन 2019 से ये कन्फर्म है कि आपको 1 साल का रूरल करना पड़ेगा यहाँ पे. So this is all about the bond. And after that, जिन लोगों को जिन seniors को मतलब PG में मिला है फार्मसी तो वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे exposure कैसा है और मतलब यहाँ PG करना अच्छा है कि नहीं, ये department अच्छा है या वो department अच्छा है, ऐसे पूछते हैं. लेकिन अभी मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है कौन सा क्या है, मुझे नहीं पता. लेकिन जितना देख रही हूँ कि मतलब अभी मैं अपने सीनियर्स को देख पाती हूँ ना, तो वो लोगों का क्या होता है, बहुत सारे लोग बाहर से आके यहाँ पे PG कर रहे हैं तो आई गेस अच्छा ही होगा, इसीलिए तो उन लोगों ने ज्वाइन किया है ना. एंड जिस एरिया में ये कॉलेज है उसके आजू बाजू में उतना मतलब बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये सब बहुत सारे नहीं है, एक दो शायद होंगे. तो इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ज़्यादातर पेशेंट यहीं पे आते हैं हमारे कॉलेज में. तो आप लोगों को ज़्यादा वहाँ से सीखने को मिलता है, जितना आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको मतलब जितने ज़्यादा केसेस मिलेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलते हैं ना. तो ऐसे मतलब टीचर्स भी बोलते हैं तो उस हिसाब से बोल लो. एंड फॉर द पीपल हु आर आस्किंग कि हमारा कॉलेज अच्छा है या फिर कोई मतलब दूसरा कॉलेज ही अच्छा होगा PG के लिए, तो आई एम नो वन टू जज एनी कॉलेज. मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है या फिर किस बेसिस से आप लोग कॉलेज पर अच्छा बुरा बोल सकते हैं. लेकिन मतलब व्हाट आई फील इज दैट जितना मतलब जहाँ पे पेशेंट के साथ आप लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे केसेस ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे शायद ज़्यादा सीखने को मिलेगा और आई गेस वही बेटर होगा PG के लिए. आई एम सॉरी, आई रियली हैव नो आइडिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. और अगर कोई मतलब कोई PG दादा बा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए कि कैसा है हमारा कॉलेज PG एक्सपोजर एंड ऑल दिस. तो प्लीज़ ताकि मैं वो कमेंट मैं फिर पिन कर दूँगी और बाकी लोग देख के बता पाएंगे मतलब थोड़ा आइडिया लगा पाएंगे कि कैसा है. मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी. एंड लास्टली अबाउट द प्लेस बरपेटा, मतलब बरपेटा कोई बहुत बड़ा टाउन तो नहीं है कि आपको मतलब सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, लेकिन जो भी नेसेसरी थिंग्स है जैसे कि फार्मेसीज है और फिर थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स, फिर शॉपिंग करने के लिए एक दो मॉल, ये सब कुछ है. बहुत बड़ा बड़ा मॉल तो नहीं है लेकिन आप लोगों को जो नेसेसरी आपका सामान है वो सब लेने के लिए यहाँ पे है, मतलब सारे ये सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगे. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब उतना तो ज़्यादा हाई फाई नहीं है ना, मतलब जो मतलब बाहर में जैसे कि आप कैब नहीं मिलेगा यहाँ पे, आपको लोकल ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करना होगा जहाँ भी जाना होगा. तो उस मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब अभी क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग एडजस्ट हो जाते हो यहाँ पे आने के बाद. और अच्छा है, हर किसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, मतलब बड़े टाउन में रहने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, छोटे शहरों में रहने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो वही. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे. आई होप आई हैव आंसर टू ऑल योर क्वेरीज एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट नॉइस, द नॉइस दैट इज कमिंग फ्रॉम द फैन, एडजस्ट अ फैन. एक्चुअली आई एम इन माई हॉस्टल एंड माई रूममेट इज स्लीपिंग देयर, सो आई कांट मेक वीडियो इन माई रूम. एंड राइट नाउ आई एम इन अ वेरी लाइक it's a room without any window or nothing and I need to shut the door as well so that no one enters to the room while making the video and it's very suffocating to make videos here so please adjust with that thing. और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर
आप लोगों को मुझसे बात करनी है, मुझसे कांटेक्ट करना है, तो फिर प्लीज़ आप लोग मेरे इंस्टा में जाके DM करो, और मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो दिस वॉज इट. होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. बाय बाय.